ऑक्सीडेशन नंबर इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन किसी भी एटम या आयन के ऊपर क्या चार्ज होगा इसके हम टोटल सात केसेस देखेंगे तो नंबर वन केसेज स्टार्ट करते हैं जहां पर हमें हाइड्रोजन सोडियम एंड मैग्नीशियम दिया हुआ है अब हाइड्रोजन के ऊपर हमें क्या चार्ज नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे ज़ीरो सिमिलरली सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है इस वक्त न्यूट्रल स्टेट uh, में हैं जिसे हम फ्री स्टेट भी कहते हैं तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ज़ीरो होगी इसी तरह मैग्नीशियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी तो हम यहां से लिख सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हम देखते हैं जिसे हम केस टू कहते हैं यहां पर हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेज मैंशन हैं जैसा कि पोटैशियम के ऊपर प्लस है कैल्शियम के ऊपर टू प्लस है एल्यूमिनियम के ऊपर थ्री प्लस ब्रोमीन के ऊपर वन माइनस वन एंड सल्फर के ऊपर टू माइनस अब जनरली आपने ये याद रखना है अगर आप प्रोडिक टेबल में देखेंगे तो पोटेशियम का जो ग्रुप होगा वो नंबर वन है कैल्शियम का ग्रुप नंबर टू है एलोमिनियम का ग्रुप नंबर तीन है ब्रोमीन का ग्रुप नंबर सेवन है सल्फर का सिक्स है सल्फर का सिक्स होने का मतलब ये है कि सल्फर के वैलेंस शेल में छः इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरा ये करना चाहता है एट तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा इस वजह से इसके ऊपर टू माइनस है ब्रोमीन सेवन्थ ग्रुप में है मतलब यह है कि ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिपो ए लर्निंग प्रोग्राम हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए ना सिर्फ इस सब्जेक्ट की बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर कंप्लीट देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए